जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं ट्रिक की सहायता से बिना पेन के। आसानी से आप इनको किसी भी टाइप का दो संख्याओं का अगर गुणा है तो आप आसानी से इसको ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है नंबर 73 और 54, तो इसको हमको गुणा करना है, एक ही लाइन में गुणा करेंगे आसानी से। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं ट्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस नंबर का यहाँ पे मैंने सिंबल कुछ बना रखे हैं, तो जैसे ये संख्या इन संख्याओं का इसका इससे गुणा करते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे करते हैं और इसका इससे करते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये एक ही लाइन में पूरा इसका गुणा निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चार को, ये स्टेप है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो चार को तीन से करेंगे, यानी कि चार तीन बारह, बारह का दो लिख लेंगे, एक बचा कैरी का। फिर क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस संख्या को इससे और इसको इससे, यानी कि चार को सात से करेंगे और तीन को पाँच से, तो चार सत्ते अट्ठाईस और पाँच या पंद्रह और एक ये हो जाएगा सोलह, तो आठ छः चौदह चार, एक दो एक तीन एक चार, यानी कि चवालीस होगा, चवालीस का चार यहाँ लिख लेंगे और कैरी का कितना बचा, फोर। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप क्या है, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सात बचे पैंतीस, पैंतीस और चार उनतालीस, ये हो जाएगा 39, यही हो जाएगा हमारा इसका गुणा। तो आप इस स्टेप के आसानी से एक ही स्टेप में गुणा कोई भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कोई नंबर दिया है जैसे 9826, 98 को गुणा करना है 26 से। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आठ छक्के अड़तालीस, अड़तालीस का हो जाएगा आठ और कैरी का कितना बचेगा, चार। अगला स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, यानी कि छः को नौ से और आठ को दो से, तो आठ दुनी सोलह हो जाएगा, आठ दुनी सोलह और नौ छाक चौवन, तो ये हो जाएगा छः पाँच ग्यारह, एक एक बचा, पाँच एक छः, एक सात और चार ग्यारह, यानी कि ये होगा 111, 111 का, तो ये हो जाएगा हमारा आठ दुनी सोलह और चार कैरी का हो जाएगा बीस और नौ छाक चौवन, पचास बीस सत्तर चार चौहत्तर, यानी कि 74 होगा, 74 का लिख देंगे यहाँ, 4 और 7 क्या हो जाएगा, कैरी, कैरी का बचेगा 7। अब क्या करते हैं, लास्ट स्टेप क्या होता है, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 दुनी 18, 18 और 7 25, ये हो गया इजिली आपका गुणा, यानी कि 98 और 26 का गुणा कितना आएगा, तो 2548। इस टाइप का कोई भी गुणा आप दो डिजिट का स्ट्रिक की सहायता से आसानी से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बिना पेन और कॉपी के इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।